सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। कश्मीर में चल रहा था हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत और वहां के कार्यकर्ता नहीं उठे और बेइज्जती करवा दी राष्ट्रीय गीत की। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और वो उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सब चीजों के बारे में मैं आज की न्यूज में बताने जा रही हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेच जी न्यूज में। जम्मू के श्रीनगर में भाजपा की मेगा ज्वाइनिंग चल रही थी और वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर आए हुए थे और भी आम लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे। कोई भी वहां पर इस चीज को ज्वाइन कर सकता था और भी काफी सारे मंत्री वहां पर पहुंचे हुए थे। पर जब वहां पर हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत को गाया गया तब वहां पर बैठे कुछ लोग तो बैठे ही रह गए और उनमें से कुछ लोग उठे उसकी इज्जत करने के लिए और कुछ लोग बैठे। और जब लास्ट की दो लाइनें थी हमारे गीत की, जो राष्ट्र गीत की दो लाइनें थी, उस गीत पे ही उठे और ये सब चीजें देख के वहां पर पता लगा कि वो लोग इसकी इज्जत नहीं करते हैं। मतलब कि एक बार फिर दोबारा से राष्ट्रीय गान की बेइज्जती कर दी गई और जहां पर ये लोग भाजपा में एंटर होना चाहते हैं वहां पर ये लोग राष्ट्रीय गीत की ही इज्जत नहीं कर रहे। ये जो श्रीनगर में इवेंट हो रहा था वहां पर राम माधव भी वहां पर इस इवेंट को देखने के लिए पहुंचे और जब उन्होंने भी ये सब चीजें देखी तब वो भी काफी ज्यादा हैरान रह गए। इसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ता रमेश ने ये चीज बोली कि जब ये सारी गलती हमारी ही है क्योंकि हमने अचानक से राष्ट्रीय गीत गाना शुरू कर दिया था, उससे पहले हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था और अचानक से गाना शुरू होने के साथ साथ कुछ लोग उसको सुन के उठ गए और कुछ लोगों को सुनाई नहीं दिया, कुछ लोग उसके बीच में बैठे रहे, कुछ लोग उठ गए, बस यही सब चीजें हुई और इसी सब चीजों का यहाँ पर इतना ज्यादा भमाल बनाया जा रहा है। तो सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय गीत अगर स्पीकर में गाया जाए तो हमारे भी नजदीक बैठे, हम अगर घर में बैठे तो भी आजू बाजू में दूसरे घरों में भी सुनाई देता है अगर राष्ट्रीय गीत गाया जाए? तो वो लोग एक ही इवेंट में बैठे थे और स्पीकर में राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था तो किसी को सुनाई नहीं दिया और सुनाई नहीं दिया तो ये लोग उठे नहीं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय गीत का सवाल है। क्योंकि अगर कोई इज्जत नहीं करता तब हर किसी को गुस्सा आता है, तो अगर आपको भी ये चीज सुन के गुस्सा आया तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आज की न्यूज सुन के आपको अच्छा लगा, आप तक पहुंचाना अच्छा लगा है, तो प्लीज उसके लिए एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।